हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू अवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 इन इंग्लिश, दैट इज अ हेल्पिंग हैंड। ओके, सो यहाँ पर एक स्टोरी है एक बारहसिंगा की। आपको स्टूडेंट्स पता है बारहसिंगा क्या होता है? ओके, सी दिस इज बारहसिंगा। बारहसिंगा एक डियर जैसा ही होता है। ओके, तो ये बारहसिंगा है, इसका नाम है बंसी। अब स्टोरी स्टार्ट होती है, बंसी द बारहसिंगा इज सैड। जो बंसी है, ये जो बारहसिंगा है इसका नाम है बंसी। ओके, वो क्या है? सैड है, मतलब बहुत ही दुखी है। रीड एंड फाइंड आउट वाई बंसी इज सैड एंड हाउ ही बिकम्स हैप्पी एट द एंड। अब आपको ये स्टोरी को आगे रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि ये बंसी जो है वो सैड क्यों है एंड एंड में, लास्ट में वो हैप्पी कैसे हो जाता है, कैसे ही बिकम्स हैप्पी। टुडे बंसी द बारहसिंगा इज गेटिंग बोर्ड। आज जो बंसी है, ये जो बारहसिंगा है, वो बहुत ही बोर हो रहा है। ही इज फीलिंग लोनली, वो अकेलापन महसूस कर रहा है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अकेला फील कर रहा है। Why are you looking so sad, Bansi? Ask other animals as he walks through the woods. अब जैसे वुड्स, मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब वो जगह जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ये एकदम जंगल की तरह होता है पर जंगल से छोटा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वुड्स। ओके, जैसे ही वो वुड्स के वहाँ से जा रहा था तो दूसरे एनिमल्स ने उसे पूछा, वाई आर यू लुकिंग सो सैड बंसी, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बंसी? After walking here and there, he goes out of the jungle. अब यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो जंगल से बाहर जाता है, goes out of the jungle. He sees some children swinging from the tree. अब उसने जैसे ही जंगल से बाहर गया तो उसने देखा कि कुछ childrens, मतलब बहुत सारे बच्चे पेड़ से swing कर रहे थे, झूला झूल रहे थे पेड़ के सहारे। I would love to join them, but he thinks, अब उसने सोचा कि मुझे बहुत अच्छा लगता मैं इनको join करूं, पर, और वो बहुत ही sad है, see इस picture में वो बहुत sad दिख रहा है। देखो ये बच्चे कैसे swing कर रहे हैं trees के through, okay? It is becoming dark, अब बिल्कुल ही अंधेरा होने लगा। Children begin to return home. अब जो भी बच्चे थे सारे वो अपने 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 घर को जाने लगे। बंसी also walks back to his home. अब ये बंसी जो है अंधेरा होने के साथ ही वो अपने घर को वापस जाने लगा। All at once, बंसी hears a sound. जैसे ही वो अपने घर को जाने लगा डार्क होते ही, पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी उसी टाइम। He holds his head high to look around. अब उसने अपना जो सिर है, अपना हेड है, वो ऊपर देखा और यहाँ वहाँ देखा। There, under a tree, a little girl is sitting. वो जो children सारे झूला झूल रहे थे वहाँ, उसमें से एक बच्ची थी, छोटी सी लिटिल गर्ल, वो ट्री के नीचे बैठी हुई थी। सिटिंग अलोन एंड क्राइंग, वो अकेली बैठकर रो रही थी। बंसी गोस नियर हर, अब बंसी उसके पास गया उसे रोता देख। आई हैव हर्ट माई लेग एंड आई कांट वॉक, द लिटिल गर्ल से सैडली। जैसे ही बंसी उसके पास गया तो उस बच्ची ने बोला, दुखी ट्यून में बोला कि मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं चल नहीं सकती। द लिटिल गर्ल स्लिप्स हर आर्म्स अराउंड, बंसी नील्स डाउन। अब बंसी ने क्या किया, जैसे ही सुना कि उसके पैर में चोट लग गई तो उसने अपने घुटने टेके, मतलब नीचे हो गया। फिर जो लिटिल गर्ल है उसने अपने आर्म्स को, अपने हाथों को
अपने आर्म्स को कहाँ किया, उसके नेक के अराउंड स्लिप किया, मतलब उसकी गर्दन को पकड़ा, एंड स्लोली क्लाइम्स ऑन हिज बैक, और उसके बैक पे क्लाइम किया, चढ़ गई। बंसी कैरीज हर होम, और वो बंसी उसे उसके घर लेके गया, उस लिटिल गर्ल के घर लेके गया उसे। वेरी सून द लिटिल गर्ल रीचेज होम, और बहुत ही जल्द वो लिटिल गर्ल अपने घर को पहुंच गई बंसी के साथ। यू आर अ रियल फ्रेंड शी सेज, अब उसने बंसी को कहा कि तू एकदम सच्चा दोस्त है। देन टाइज अ बेल अराउंड हिज नेक, फिर उसने क्या किया, एक बेल लेके आई और वो जो बेल है छोटी सी उसके नेक के अराउंड टाई कर दी, मतलब बांध दी। बंसी लिफ्ट्स हिज हेड हाई एंड शेक्स इट, फिर बंसी ने अपना हेड फिर से हाई मतलब ऊपर उठाया और उस बेल को शेक किया। देयर इज अ सॉफ्ट टिंकलिंग साउंड ऑफ द बेल, जैसे ही वो शेक हुई उसकी बेल में से सॉफ्ट टिंकलिंग साउंड, सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड सुनाई देने लगी। दिस मेक्स बंसी फील हैप्पी अंडर द मूनलाइट स्काई, बोथ फ्रेंड्स सिट डाउन एंड काउंट स्टार्स, दे आर नॉट सेड एनी मोर। अच्छा, अब बंसी को भी बहुत अच्छा लगने लगा और वो लड़की को भी एक फ्रेंड मिल गया, दोनों फ्रेंड्स बन गए। अब मूनलाइट स्काई के नीचे दोनों फ्रेंड्स बैठ के तारे गिनने लगे, काउंट द स्टार्स, दे आर नॉट सेड एनी मोर। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टूडेंट्स के बंसी पहले तो सैड था और फिर वो बाद में हैप्पी हुआ। क्यों हैप्पी हुआ यह हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि उसे एक फ्रेंड मिल गया, इसलिए वो एकदम खुश हो गया एंड में। थैंक यू।